मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर मंगलवार को एक केमिकल से भरा टैंकर दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया। हादसे के बाद टैंकर में आग लग गई, उसमें चार लोगों की मौत हो गई जबकि तीन घायल है। घटना दोपहर 12 बजे खंडाला बाईपास स्थित एक फ्लाईओवर की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग इतनी भयानक थी कि चंद मिनटों में पूरा टैंकर जलकर खाक हो गया। टैंकर से निकल रहा केमिकल फ्लाईओवर के नीचे तक गिर रहा था। केमिकल जहां जहां पहुंचा आग वहां तक फैलती गई। हादसे के दौरान टैंकर में सवार दो लोग और फ्लाईओवर के नीचे से गुजर रहे दो बाइक सवार आग की चपेट में आ गए, जिसके कारण उनकी जलने से मौत हो गई। फ्लाईओवर के नीचे कुछ वाहन भी आग की चपेट में आए। घायलों को सोमटणे स्थित पवना अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद मुंबई और पुणे जाने वाले ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया गया। इससे कई किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई। पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर फाइटर को बुलाया। आग पर काबू पा लिया गया है और टैंकर को हटाने के लिए क्रेन मंगवाया गया है।